हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, क्या आप लोगों को 2024 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर वन गवर्नमेंट सेक्टर बैंक माना जाता है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें, देखो यहाँ पर काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर मैं जिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ उस बैंक में हमारा पैसा 100% और 1% सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूब ही नहीं सकता है। ये मान के चलो कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाता है तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ओल्ड रिकॉर्ड में अपने सर्विस चार्जेस में ये जरूर लिखा है कि रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 3000 रुपीज मेंटेन करना होता है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी क्लियर किया है कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस आप लोगों को 1 रुपीज नहीं देना होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम SMS अलर्ट को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर पर फाइनेंशियल ईयर 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में 10 पेज का आप लोगों को 40 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, वहीं पर 25 पेज का 75 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम ATM कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को 125 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। तो वहां पर एक भाई का कमेंट आया था कि सर डेबिट कार्ड चार्जेस इंक्रीज हो गया है स्टील में। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डेबिट कार्ड चार्जेस को इंक्रीज नहीं किया है, अभी भी है 125 रुपए प्लस GST, यानी कि टोटल 147 रुपए आप लोगों को एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है
डेबिट कार्ड के ऊपर। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस चार्जेस का लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड का कितना चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों इश्यूएंस चार्जेस डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को एक भी रुपीज नहीं देना होता है। अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप इस डेबिट कार्ड से 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम कैश विड्रावल को डिस्कस करें तो यहाँ पर एएमबी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो। अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए मेंटेन करते हो तब 2 बार पैसे निकाल सकते हो, और अगर आप 25,000 से लेकर के 50,000 मेंटेन करते हो तो 10 बार पैसे निकाल सकते हो, 50,000 से लेकर के 1 लाख मेंटेन करते हो तो 15 बार पैसे निकाल सकते हो। वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में आप अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हो। दोस्तों ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक आम पीपुल हो, आपकी जो इनकम है काफी कम है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे शानदार सेविंग्स अकाउंट है और सभी बैंकों में काफी कम चार्जेस ये लेता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस 0 है, चेकबुक पर काफी कम चार्जेस है, एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री है, एटीएम कार्ड चार्जेस सभी बैंकों के मुकाबले इस बैंक का काफी कम है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।